तो ये जो मेरे हस्बैंड की कोई रेसिपी है तो इन्होंने कहा है कि मैंने आगे स्पेशल आपको बना के फिर वो टेस्ट करवानी है, तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं और सारी रूटीन की शाम की रात की रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। व्यूअर्स कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ और हम बना रहे हैं आज बन्नू का चिकन पुलाव। बन्नू का चिकन पुलाव, तो ये जी देखिए इधर यखनी तैयार हो गई है, चिकन की ये तैयार कर ली गई है और साथ ये सारे मसाले जो हैं अदरक का पेस्ट और ये सब्ज़ मिर्चे, ये टमाटर और ये चावल धो के रख लिए हैं। एक घंटा हमने जी पहले भगो के रख लिए हैं और ये सारे मसाले हैं, ये गरम मसाला और इसमें नमक मिर्च हल्दी सारा कुछ है। तो ये साथ जी बाजी भी बैठी हुई है, अच्छा ये अलहदा करने लगी है। ठीक, मैं कोई भी रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि हमारे व्यूअर्स कहते हैं जी आप भी जो वो किचन में चिकन करने लगे, किचन से बाहर ही नहीं आते तो आप ही लोग हाँ। अच्छा ठीक है जी, बाजी जी हमें सुना रही है कि भाई हो गई है ना, आप हाँ जी समझ आ गई है जी मुझे आपकी, मैं समझी मैं हमारे व्यूअर्स को आप कह रही है कि ये खुद बनाए हमने रेसिपी नहीं बता दी। अच्छा ये मुझे कह रही है बाजी, मुझे कह रही है जी कि हस्बैंड जो है वो फारूक और बाल है घर में है और मैं भी घर में हूँ जी, मैं भी छुट्टियाँ मुझे भी हो गई हैं। और चिकन हमारा 2 किलो है, 2 किलो चिकन है और 1.25 किलो हमारे चावल है और बाकी टमाटर कितने हैं? किलो 1 किलो टमाटर है जी। लहसुन का जो पेस्ट है ये 1 जवा बड़ा हमने लिया है, सब मिर्ची आपके सामने ही है 8 से 7। तो बाजी ने जी हमें सुना दिया है कि आज से जी आप अपनी ड्यूटियाँ संभाल लें और हस्बैंड और मैं जो है वो घर की तरफ तवज्जो दें क्योंकि मुझे छुट्टियाँ हैं, मैंने घर पे हुआ करना है तो घर के काम और ये जो खाना पकाना है ये आप करें। तो हस्बैंड ने जी सीट संभाल ली है, वो कहते हैं जी मैं आपकी मदद कर रहा हूं। हस्बैंड कहते हैं कि इस रेसिपी का जो सारा दारोमदार है वो टमाटरों पर है, टमाटर भी इसमें डालते हैं ना। अच्छा इसका दारोमदार किस पे है? दारोमदार सब चीजों पर है, सिर्फ टमाटर पे नहीं है। अच्छा जी सारी चीजों पर, सब मसालों पे है। अच्छा सारा कुछ ठीक। अच्छा सारा यानी के मैं चाखू ना लूं थोड़ा सा, मैं टेस्ट कर रही हूं ना। नमक डाला है इसमें? जी नमक डाला। ये देखिए विवेक जी बाहर जो है वो रात हो चुकी है और खूब अंधेरा है जी, खूब अंधेरा है, वो सामने जो डेरा है हमारा वो अंधेरे में डूबा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा प्यासों में भी उन्होंने पानी डाल दिया मेरे पीछे से, पीछे से क्या बुला रहा हूँ, घंटा हो गया ब्राउन हो गया, ब्राउन हो गया। अच्छा इतनी जल्दी हो भी गया अभी तो इतने वाइट थे, मैंने कहा कि अभी टाइम लगना है। वो असली दी है मैंने, ठीक है आपने कहा कि वो आ जाना सिंह का भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये भी टमाटर डाल दिए, आपको आइसक्रीम भी खिलाई है तो फिर भी आपको भूख लगी है? हाँ जी ये कह रहे हैं हमें भूख लगी है बड़ी साहब, तुम तो साल खाती जा रही हो चिकन। मुझे भी भूख लगी, यकीन करिए चिकन देख के ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये जी मोटी मिर्च डाली है, ये देखिए अभी भी इनका जी नहीं भरा मिर्चों से, मिर्चों की दफा आ रहे तो आप कहते हैं डालते जाए डालते चिकन दिखाएंगे। ये हमारा जो बर्तन है ये 1 किलो का है, चलो हाँ जी ये उबाल आ रहा है जी पानी को, तो डाल दे चाय, गरम मसाला डाल दिया आपने, सीधा करके दिखाएं ना क्या डाल रहे, गरम मसाला है। पानी जी मैंने निकाल दिया सारा,
बर्तन को भी अच्छी तरह साफ करना चाहिए, कोई भी चीज़ आया नहीं करनी चाहिए, ठीक हो गया, बर्तन साफ हो गया। अब ये हम सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो इसमें शामिल करने लगे हैं, एंड में सबसे एंड में जो सब्ज़ मिर्चें शामिल करें। ये इधर तवा रख दिया है जी, और अब इसके ऊपर ये मिर्चा रखेंगे। 10 मिनट का जी वो दम लग गया है, 15 मिनट हो गए। अच्छा जी, ये सिर्फ चेक करते हैं, चेक करें जी, बड़ी भूख लगी हुई है, यकीन करें। बाजी जी कभी लेट जाती हैं, कभी बैठ जाती हैं, बाजी में भूख लगी हुई है। बस तकरीबन अब दम लग जाएगा ना, बाजी पीछे सिलाई कर रही है, तो बाजी ये बाजी की ये चारपाई है ना, बस थोड़ी देर बस इंतज़ार करें, अभी चावल पक जाते हैं। बाजी ने जी ये टाई लगा दी है, इधर जी सारा खाना लगेगा। बस पक गए हैं, बड़े शीरी वाले बड़ी ज़्यादा दम तो लग गया। मज़ेदार ये हमारे चिकन बलू चिकन पुलाव बना है, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इनके हाथों का ये टेस्ट कमाल है यार, यखनी का कमाल है जो उन्होंने पहले तैयार की है। यकीन करें बच्चे खा के बताइए, आपको बड़ा मजा आएगा। तो भी बस टाइम हो गया हमारा जी 10:45 होने वाले हैं, और ये रात का हम खाना खा रहे हैं 10 बजे। तो रायता वगैरह जी हमने साथ नहीं बनाया, ये बाजी ने दिया से टमाटर जो, हाँ जी ये जी सालन के बगैर ही बड़े मजेदार लग रहे हैं, रायते के बगैर ही बने हैं ना, बहुत ही लजीज बने हैं आज। तो आपने जी कमाल कर दिया, वो जो मुबशर जो है ना, मुबशर सिद्दीक की, तो वो कहते ना मुबशर पुत्र कमाल कर देता, और हस्बैंड साहब आपने कमाल कर दिया कमाल कर दिया। तो ये जी आज की थी जी हमारी, वीडियो को जी लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। तो आइंदा किसी अच्छी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।